सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा एक वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जल शक्ति विभाग की जो 15 वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिन्होंने उसका एग्ज़ाम भर रखा है। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कल इसका सिलेबस रिलीज़ हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न रिलीज़ हुआ है। ऑल्दो कि हिमुडा का भी एक दो दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया था एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम तो सिलेबस उन्होंने पहले रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसका एग्ज़ाम का डेट भी रिलीज़ कर दिया है। अब उसमें नंबर ऑफ सीट्स कम थी, तो कम बच्चे इंटरेस्टेड थे, तो मैंने उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाया था कि आप इसको कैसे फॉलो करो। अब क्योंकि इसमें जल शक्ति विभाग के अंदर टोटल 15 वैकेंसीज हैं, सिलेबस उन्होंने सेम रख दिया जो हिमुडा के लिए था। टोटल 33 टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं पेपर टू के लिए, जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, टेक्निकल पेपर होगा। तो अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं नॉर्मली कभी नहीं बोलता अपनी वीडियो को कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इंटरेस्ट अगर किसी का बनता है तो उसको लगता है, जिसको लगता है कि मेरे फ़ायदे की है तो उसको सुनता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से सुनना। अगर आप इस पेपर को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक सुनना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक को तुम्हें कैसे फॉलो करना है, कैसे तैयारी करना है, कौन से छोड़ना है, कौन सा रखना है, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो इसमें अगेन पेपर वन है, पेपर टू होगा। पेपर वन आपका नॉन टेक्निकल पेपर है, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको कंसिस्टिंग ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो दो नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा, तो आपका 30 मार्क्स आपका आएगा जनरल नॉलेज का, 30 आएंगे आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं। हिंदी आपका आएगा 20 नंबर का, और 20 नंबर का आएगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तो वो कंपोनेंट है जो हमें मोर और लेस काफ़ी हद तक पता था, और इसमें पेपर वन में को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स लेना जरूरी है, तभी आपका ये जो मेंस वाला पेपर टू पेपर वाला जो है वो आपका चेक होगा। ये इन्होंने पहले ही डिटेल एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया हुआ है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, पेपर टू पार्ट। इसमें क्या होगा कि दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पेपर सॉरी पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन पार्ट टू। टोटल आपको इसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक पार्ट में चार चार क्वेश्चंस होंगे, और दोनों पार्ट के मिला के आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, और मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपको एक में करने हैं। 3 घंटे का ये पेपर होगा, और 120 नंबर का ये पेपर है। तो अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे पेपर टू जो आपका जो है, पेपर वन में आपके 4 क्वेश्चन है, पेपर टू में से भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, और उन 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चन पेपर वन में से कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस आप लोग पेपर टू में से कर सकते हो। मतलब एक एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे उसने आपको मार्जिन दिया हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो अगर मैं आपको साथ डिस्कस करूँ हरियाणा का एग्जाम पैटर्न, HPSC AE का या AEE का एग्जाम पैटर्न, क्योंकि उनका भी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मेन्स ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने क्या रखा था, 3 घंटे का पेपर, 150 मार्क्स का था, और उन्होंने उनका जो एग्जाम पैटर्न वो 18 क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस वो देते हैं, जिसमें से 15 करने होते हैं, और उसमें आपको 3 क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे दो पार्ट में एक एक क्वेश्चन के, वहाँ पे 3 क्वेश्चन का आपके पास मार्जिन होता है। अब वहाँ पे क्वेश्चन के सब पार्ट भी दिए होते हैं, मतलब अगर आपको वो 15 करने हैं, हर क्वेश्चन आपको 10 नंबर का होगा, तो उसमें सब पार्ट भी होते हैं, किसी में 5+5 का होता है, किसी में 6+4 का है, तो सब पार्ट भी उसके अंदर होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि आज जो चार और चार क्वेश्चन आपको पास आएंगे, जिसमें से आपको 3-3 कर रहे हैं, और इसमें मेंस में आपके पास पेपर टू के अंदर आपके पास 33 टॉपिक्स हैं, 18 पार्ट वन के अंदर है, 15 पार्ट टू के अंदर, अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका सिलेबस। तो इसमें उसमें ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करके चलोगे कि सब पार्ट आएंगे। हरियाणा वाले पेपर के अंदर मैक्सिमम 2 पार्ट उन्होंने किए, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे वो एक क्वेश्चन के मैक्सिमम 3 पार्ट कर सकता है। तो इट मीन्स कि आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 6 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 उधर से और 3 उधर से, 6 क्वेश्चन और 3 सब पार्ट भी हैं, तो आपके पास 18 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा भी, ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, मैं मैक्सिमम 18 क्वेश्चंस, जिसमें ये 18 में से तुम लोग जो है कम से कम 10-12 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आपको रेस के अंदर रहना है, सो दैट कि आपका नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ सके। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं इसका जो सिलेबस है वो ओपन कर रहा हूँ। सिलेबस इसका जो है, ये इसका डिटेल सिलेबस है। ये आ गया पार्ट वन, जो आपका 60 नंबर का आएगा, फिर पार्ट टू है 60 मार्क्स का आएगा। अब ध्यान से देखना कौन सा पार्ट में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पार्ट वन के अंदर 60 मार्क्स का आएगा, 18 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, और पार्ट टू के अंदर 15 टॉपिक दिए हुए, तो 18 और 15
33 टॉपिक्स इसमें हैं, और बीच में भी बाहर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने सब टॉपिक भी बीच में ऐड किए हुए हैं, मतलब सब टॉपिक्स भी, सब्जेक्ट्स भी उसमें ऐड किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स की, अप्लाइड मैकेनिक्स में उन्होंने पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट दे दिया, फिर आपका बीच में थोड़ा सा बेंडिंग स्ट्रेसेस और बीम्स मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट दिया, तो इसमें दो टॉपिक आ गए हैं। अब आ जाओ आगे, अगर आप फ्लूड मैकेनिक्स की बात करो तो फ्लूड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो दे दिया, दो टॉपिक इसके अंदर दे दिए। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स का डिस्कस करूंगा जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी आपको उसने ओपन चैनल फ्लो की यहाँ पे बात कर दी है, इरीगेशन हाइड्रोलॉजी वगैरह ये सारा इन्होंने बात कर दिया है, ये सारी चीज़ आ गई है। सॉइल मैकेनिक्स, और इन्होंने फाउंडेशन को अलग अलग कर दिया, फाउंडेशन को डिजाइन में कर दिया, पार्ट टू के अंदर कर दिया है। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया है ब्रिज इंजीनियरिंग, बिल्डिंग सर्विसेज, जियो सिंथेसिस एंड दिस ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। उसके बाद अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, RCC डिज़ाइन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, उसके बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद आपका आ गया हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे के अंदर बाद आपके इसमें रेलवे और एयरपोर्ट भी इन्होंने ऐड कर दिया है, स्टील स्ट्रक्चर अपने आप में ऐड कर दिया, ये रेलवे एयरपोर्ट आ गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक्स जो आपको करने हैं, बड़े सिंपल से यार, देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स तो आप लोग यार कर ही नहीं पाओगे, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब हमें करना क्या है कि पहले जैसे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे नॉर्मली SSC JEE का तैयारी करते हो, अदर AE एग्जाम्स का तैयारी करते हो, PSU का तैयारी करते रहते हो, गेट एग्जाम का तैयारी करते रहते हो, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं इसमें से आउट ऑफ 33 रफली 18 to 20 के आसपास टॉपिक ऐसे हैं जो आप नॉर्मली पढ़ते हो। लेट मी फोकस ऑन दोज पार्ट, वो कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, देखो ये किसी का स्ट्रॉन्ग होता है किसी का नहीं भी होता। अब जैसे 33 टॉपिक्स हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज एक में वो तीन पार्ट भी करता है तो 24 टॉपिक टोटल बनते हैं, 24 क्वेश्चन वो डालेगा, तो एक टॉपिक्स में एक क्वेश्चन से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, हर टॉपिक से में भी नहीं आएगा क्वेश्चन, ये भी दिमाग में बिठा लो कि अगर 24, ये मैं प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ, मैं 24 क्वेश्चंस और 33 टॉपिक्स, तो इट मींस कि पहला एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से वो क्वेश्चन भी पूछेगा। सो यहीं पे मेन चीज़ हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि अगर सपोज वहाँ पे मेरे को 18 क्वेश्चन करनी है तो 18 क्वेश्चन में मान लो सपोज 5-7 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आपने पढ़े ही नहीं, छोड़ के चले गए थे, स्टिल आपके पास 10 बार, क्योंकि ये चीज़ जो एग्जाम सिलेबस बनाने वाले ने जो गड़बड़ की है वो तो कर दी है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हरियाणा में, हिमाचल में जो सिलेबस है उसमें भी 19 टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। अब जो एग्जाम लिखेगा, जो एग्जाम देगा बनाएगा, ऑल्दो कि वो सारा कवर करने का कोशिश करेगा जैसे हरियाणा में हुआ है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस का लिमिट ज़्यादा था, 100 क्वेश्चंस आने थे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 18 क्वेश्चंस आने हैं, 18 में से किस किस में कितना डालेगा, लेट्स सी फॉर दैट। हिमुडा में भी यही सिलेबस है, किस टॉपिक से कितना डालेगा, वहीं से भी वैसे आपको पिक्चर इसका क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। लेकिन जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, पहला कि हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा अगर आएगा भी तो एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप नॉर्मली कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, इसका पूरा त्यागी सर का बनाया हुआ है पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसके बियॉन्ड आ ही नहीं सकता, इस चीज़ का मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आ जो आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये भी आप नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग पढ़ते हो, देर में भी चांस कि आपको वो कुछ आपको डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि आप लोग ये क्यों सब्जेक्ट डाला गया, वो इस कारण से सब्जेक्ट डाला गया है कि जब आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में किसी में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी आपको ड्राइंग्स होती हैं जिसको आपको एनालिसिस करना होता है, पढ़ना होता है, तो वहाँ पे जाके आपको इशू आता है। कुछ पार्ट इन्होंने यहाँ पे ऑटो कैड से रिलेटेड भी दिया है, अगर आपने ऑटो कैड वगैरह किया है तो उसको कर लो, अदरवाइज आप उसको लीव कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके दी हुई है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड सेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसका पूरा यॉरपीडिया के ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम पे, ये जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम पे है पूरा मॉड्यूल बना हुआ है, विशाल सर ने बनाया हुआ है, वो मॉड्यूल मैं आपको दे दूंगा, इसको भी छोड़ना नहीं क्योंकि इंजीनियरिंग एक बहुत इजी और सिंपल टॉपिक है, राइट। अब क्योंकि ये सब्जेक्टिव की फॉर्म में आएगा, लेट्स सी कि वो हिमुडा वाले पेपर में इसको कैसे डालते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स मैं आपको क्लियरली बोल दूँ इसको छोड़ दो, इंजीनियरिंग उसके बाद आ गया अप्लाइड मैकेनिक्स, बहुत सिंपल है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट है, ये आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो तो इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री क्लियरली बोल रहा हूँ यार इसको छोड़ दो,
क्योंकि आपको करना क्या है, आपको पहले वो टॉपिक स्ट्रांग करनी है जो नॉर्मली आप पढ़ते हो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप पहले उन टॉपिक्स के ऊपर पढ़ गए जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो तो आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रफली मेरे पास कितना का टाइम है, हिमूडा ने सिलेबस कब दिया था, एग्जाम अब हो रहा है जुलाई के अंदर आपका, अब इन्होंने पेपर अब दिया तो मैं बता लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम आप लोगों के पास 3 महीने होंगे, 2.5 से 3 महीने वो आपको देगा इतने वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए, राइट। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आप क्लियरली छोड़ दो, फ्लूड मैकेनिक्स आपको नहीं छोड़ना है, करना है, ओपन चैनल फ्लो आपको करना है, ओपन चैनल फ्लो फ्लूड मैकेनिक्स अभी चल रहा है, ओपन चैनल फ्लो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड रॉक मैकेनिक्स, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ लोग पढ़ते हैं एज ए इलेक्टिव अपने कॉलेज के अंदर, कुछ नहीं पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को अगर आपको पढ़ना है ना तो एंड के लिए रख दो। अगर आपको लगता है ना कि सर रॉक मैकेनिक्स मैंने पढ़ा हुआ है या डैम से रिलेटेड अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड, मतलब ये हर किसी का अपना अपना होगा कि किसी को कुछ टॉपिक पढ़ा होगा, किसी ने कुछ टॉपिक पढ़ा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहे होंगे, वहां पे आप कुछ टॉपिक्स इसमें से पढ़ते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप एंड में रख लो, गेट के अंदर ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, राइट। तो इसको एंड में रखो। उसके बाद सर्वेइंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, ये आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो, विक्रम सर इसको बहुत डिटेल में करवाते हैं, तो सर्वेइंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप क्या आ गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला पार्ट ही है ये, यस। तो उसको अपना विक्रम सर ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वो तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग वाला कंपोनेंट दूंगा। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग ये आपको नहीं छोड़ना है, इसको आपको करना है। हाइड्रोलॉजी, ओपन जनरल फ्लो, इरीगेशन, ये सारा इसी के अंदर ही आएगा। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट जहाँ पे चीज़ें आती हैं इसका इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत डिटेल से ये टॉपिक्स करवाए गए हैं, तो इसका एक्सेस मैं आपको दूंगा। सॉइल मैकेनिक्स आपको नहीं छोड़ना है, सॉइल मैकेनिक्स आपको करना है। उसके बाद आ गया बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इसका पूरा डिटेल रिकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जो विक्रम सर ने करवाए हुए, बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए। जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, ये कुछ ऐसा टॉपिक है, अगेन वही पॉइंट है कि कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो इसको आप एंड के लिए रख सकते हो। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो HPCL के सिलेबस में होते हैं, तो इसका कुछ पार्ट तो मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद बाकी पार्ट आप उसको लीव कर सकते हो एज ऑफ नाउ। ब्रिज इंजीनियरिंग, इसको आप होल्ड पे रख सकते हो। बिल्डिंग सर्विसेज होल्ड पे रख सकते हो। उसके बाद आपका आ गया जियो सिंथेटिक्स एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, इसको भी आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख सकते हो। बाकी डेफिनेटली मैं वो बोल के चलूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे को ये टॉपिक, मेरे को कंपैक्शन वगैरह, डी वाटरिंग वगैरह ये टॉपिक मैंने पढ़े हुए हैं, तो आप इसको कवर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन इनको रखना एंड में, जो टॉपिक्स आप नॉर्मली नहीं पढ़ते उसको एंड के लिए रखना। उसके बाद आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सारा मेजोरिटी जो है वो थ्रेटिकल टॉपिक्स हैं, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी टॉपिक्स कवर करे भी होंगे, रिकॉर्डेड होएगा, वो मैं आपको इसका एक्सेस में आपको दे दूंगा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं, इसमें ज्यादा डिजाइन वगैरह नहीं होता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन कंट्रोल, अभी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का हरियाणा और हिमाचल का चल ही रहा है प्रिपरेशन, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड बहुत डिटेल में प्रियंका मैम ने करवाए हुए, वो वाला मैं आपको फोल्डर यहाँ पे दे दूंगा, तो इसको नहीं छोड़ना है आपके। उसके बाद RCC डिजाइन, विक्रम सर का बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग पड़ा है, आप उसको कवर कर सकते हैं। वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, ये आपको नहीं छोड़ना है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपका आ गया हाईवे इंजीनियरिंग, ये आपको नहीं छोड़ना है। स्टील स्ट्रक्चर, इस पर आप थोड़ा वो सोच सकते हो, स्टील स्ट्रक्चर क्योंकि थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो मैं बोलूंगा इसको अगर आप रखना चाहे तो एंड के लिए रख लेना स्टील स्ट्रक्चर को। उसके बाद रेलवे एंड एयरपोर्ट, रेलवे नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो, एयरपोर्ट का गेट के अंदर आता है सिलेबस या इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आता है, तो एयरपोर्ट को हम एंड में रखेंगे, रेलवे को तो भाई आपने कवर करना ही है, विक्रम सर ने बहुत डिटेल में करवाया हुआ आपको रेलवे वाला पार्ट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सारा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये सारा हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है इस चीज़ का। उसके बाद डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसको अभी आप थोड़ा सा ग्रेविटी डैम्स, अर्थ डैम्स, ये विक्रम सर ने बहुत अच्छे तरीके से, प्रियंका मैम ने ये चीज़ें कवर की हुई हैं, हम इसको कवर कर लेंगे। पॉट एंड CPM विक्रम डॉक्टर विजेंद्र नॉर्मली करवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में बना हुआ है, ये आपको मिल जाएगा इसका एक्सेस। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, इसको आप थोड़ा सा पार्ट हाईवे के अंदर थोड़ी सी इसकी चीज़ें पढ़ते हो, तो इसमें से जौन सा पार्ट आप नॉर्मली पढ़ते हो उसको रखो, बाकियों को एंड में आप इसको कवर कर लेना। हार्बर डॉक एंड टनल इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक IIT जम्मू के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम भी है, तो जो लोगों ने मास्टर्स किया उसको यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज इसको आप होल्ड पे रखो, एंड में रखो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गेट एनवायरमेंटल साइंस के अंदर
असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रियंका मैम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया गया है, तो इसका आपको भी एक्सेस मिल जाएगा। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सारा हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको विजेंद्र सर ने कवर किया हुआ है, तो इसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। मतलब जो सा पार्ट हमारे पास इंजीनियरिंग इमीडिएट पड़ा है उसको तुम्हें नहीं छोड़ना है। हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग, टर्बो मशीनरिंग, विनीसर इसको कवर करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, यहाँ तक कैविटेशन इन पंप्स तक, यहाँ तक उसको बाद में होल्ड में रख दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से आपको इसका प्रिपरेशन करना है, कौन से टॉपिक पहले करने हैं, कौन सों को बाद में करने हैं, क्योंकि अगेन मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ चीज़ें क्या है कि आपको सिलेबस जो है आपको 33 टॉपिक्स हैं, 8 क्वेश्चन वो आएंगे जिसमें से तुम्हें 6 करने हैं, 6 के तुम अगर सब पार्ट भी लेके चलोगे, 3 भी अगर लगाओगे तो 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 33, 18 क्वेश्चन आपको करने हैं। 18 में से भी अब आपको जो है अभी आपका लक होगा कि वो 18 क्वेश्चन में आपका जितना पढ़ाया हुआ है जो मतलब जो आप पढ़ के गए उसमें से कितने टॉपिक्स में से आ गया वो एक पार्ट है। दूसरा आपको जैसे मैंने बोला कि हर टॉपिक से हर क्वेश्चन नहीं बन सकता है क्योंकि वो तो लिमिट ही है क्वेश्चन का। दूसरा जो आपका हर टॉपिक में से अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। न्यूमेरिकल पार्ट कितना होगा, थ्योरेटिकल पार्ट कितना होगा, तो मान के चलो 30-40 मैक्सिमम 50% तक आपका न्यूमेरिकल पार्ट आ सकता है और 50% तक आपका जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा। क्वेश्चन आएगा दिमाग में सर डेरिवेशन करनी है कि नहीं करनी है, डेरिवेशन को नॉर्मली अवॉइड किया जाता है क्योंकि डेरिवेशन का ऐसे डिज़ाइन में कोई ऐसा उसका बेनिफिट नहीं होता है। हरियाणा में भी हुआ तो उसने नहीं पूछे डेरिवेशन वगैरह। लेट्स सी हिमूडा का भी जब पेपर आएगा तो उसको भी हम एनालिसिस करेंगे एक बार, उसका भी एनालिसिस का वीडियो डालेंगे, उससे भी बहुत हद तक हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए टू स्टार्ट विद इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को जो मैंने बताया कि जो से सब्जेक्ट्स आप नॉर्मली पढ़ते हो उसी को कंटिन्यू करते चले जाओ। क्वेश्चन बैंक लगाने स्टार्ट करो, अगर आपका कोई सब्जेक्ट तैयार हो गया उसको क्वेश्चन बैंक लगाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सो दैट कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आता चले जाए। देखो अब ये दिमाग में आ रहा है सर सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है कैसे करें, हर किसी के लिए प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, ये हर किसी के लिए प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा सिलेबस और इस तरीके से इसको करना है, राइट। तो इस चीज़ को सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे मे बी जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन अगेन मैं फिर से वही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ जो मैं नॉर्मली बोलते हैं हम लोग कि अगर हमारा कंटेंट आप कर जाएंगे, जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑब्वियसली सारा नहीं हो पाएगा, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्लियरली इस कैमरा के सामने कि सारा नहीं हो पाएगा, हम भी नहीं कर पा पाएंगे और तुम भी नहीं कर पाओगे। अगर इस पूरे सिलेबस का 33 टॉपिक्स में से अगर आप 20 टॉपिक भी ढंग से करके चले जाते हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, राइट। दूसरा पेपर वन को तो इंपॉर्टेंस यार तुमने देनी ही है, पेपर वन तो तुम्हें लीव करना ही नहीं है क्योंकि अगर वो तुम्हारा उसमें वीक रह गया तो मेंस का पेपर तुम्हारा चेक भी नहीं होगा, राइट। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इसको स्टडी कर रहा है, इसको प्रिपेयर कर रहा है, और लेट्स सी कि इसका कैसे रहता है। हिमूडा का पेपर पहले हो जाएगा, वहां से भी काफी तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोगों में से जो भी पेपर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ ECP के साथ यूरोपीडिया की टीम के साथ, गूगल फॉर्म भर दो या वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।